तो वहीं करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसे में एक और मामला पेश आया है जिसमें कुछ युवकों ने बीजेपी नेता अशोक सुखीजा पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक सुखीजा जिस कृष्णा मंदिर से जुड़े हैं, उस मंदिर में बीजेपी नेता के पास पुजारी का फोन आता है और उसके बाद बीजेपी नेता मंदिर पहुंचते हैं तो कुछ हथियारबंद बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद बदमाश तो फरार हो गए, तो वहीं घायल बीजेपी नेता को करनाल के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मंदिर के पुजारियों से पूछताछ शुरू कर दी कि क्या किस तरीके से पूरा प्रकरण रहा है, और साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस भी पुलिस खंगालने का काम कर रही है। मुझे फोन आया, हमारे जो पंडित जी हैं मंदिर के, उनका फोन आया कि अभी दूसरे पंडित जी के बेटे ने उनके साथ गाली जो गर्म मारपीट कर रहा है। तो मैंने वहां पहुंचने से पहले ही 13 सेक्टर पुलिस चौकी में फोन कर दिया कि भी ऐसे ऐसे मंदिर में कोई झगड़ा हुआ है तो आप पहुंची। जब मैं बाहर पहुंचा मंदिर के बाहर, तो वहां पे 8-10 लड़के हाथ में वो गोल गोल डंडे लेकर के खड़े थे। तो मैंने कहा कि मैं फोटो ले रहा, मैंने अपना मोबाइल निकाला। इधर उन्होंने मेरे पे उसको मोटरसाइकिल चढ़ाया, पहली दफा वो मेरे पैर के ऊपर ही चढ़ गया मोटरसाइकिल। मैंने वो ऐसे घूम के वापस आए, उन्होंने आके मैंने मोटरसाइकिल को, मैं भी ये चढ़ाएंगे मोटरसाइकिल, तो मैंने मोटरसाइकिल टांग कर दी। वो उन्होंने उतर के मेरे यहाँ पे मारे और मेरा मोबाइल गिर गया, मोबाइल भी